मोहाटा पैलेस एक रईस बहादुर शिवरतन मोहाटा के नाम से मशहूर है, जिन्होंने इस इमारत को अपनी बीमार बीवी के लिए तामीर करवाया। शायद इसीलिए ही इस इमारत को कराची का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या मैं पाकिस्तान के बाद इस इमारत को वजारत खारजा का दफ्तर बना दिया गया, जबकि मादर मिल्लत मोहतरमा फातमा जिनाह भी एक अरसे तक इस इमारत में क्याम पजीर रही। ये एक तारीखी इमारत है और पूरी अपनी हिस्ट्री आप देख सकते हैं इसके बारे में, इसके आर्किटेक्चर और इसकी अपनी एक इंफरादियत है। इसमें जो है मोहतरमा फातमा जना साहिबा भी यहाँ क़याम पज़ीर रही है, तो इसकी अपनी एक पूरी हिस्ट्री है और यहाँ जितने जो है कराची के जो लोग हैं वो सबको यहाँ आना चाहिए। इस तरह की तारीखी जो इमारतें हैं, तारीखी मकामात हैं, वहाँ का देखना चाहिए, बच्चों को भी लेकर आना चाहिए, फैमिलियों के साथ आना चाहिए। इससे थोड़ा सा हमें जो हिस्ट्री से और जो हमारी एक सकाफती विरसा है उससे थोड़ी सी आशनाई होती है, तो मेरे ख्याल में लोगों को आना चाहिए। मुझे यहाँ पर इंतहाई अपनाइयत का एहसास हुआ कि इस मोहट्टा पैलेस के अंदर चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाली सकाफ़ती चीज़ें मौजूद हैं, और यूँ महसूस हो रहा था कि ये बिल्डिंग ना हो, एक पाकिस्तान हो और उसके अंदर चारों सूबे समाए। इस वक्त मोहट्टा पैलेस को एक म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक नुमाइशें मुनक्कद की जाती हैं।